गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। नीतू पकवान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो सैंडविच लेकर आई हूं। आप इसे बनाएं और खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो को देखने से अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी है। उसके लिए मैंने बड़े साइज के 5 आलू कुकर में डालकर 3 सीटी होने तक उबाल लिया है। अब प्याज को छील कर उसे अच्छी तरह धोकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। गाजर को भी छील कर धो लेंगे और उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके बाद एक शिमला मिर्च अच्छी तरह से धोकर उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे काट रही हूँ। एक टमाटर लेंगे, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, और थोड़े से हरे धनिया के पत्तों को भी धोकर उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। हरे मिर्च को भी, 3 या 4 हरी मिर्च को भी काट कर ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे कटी हुई सब्जियों को सजाकर प्लेट में ले लिया है। उसके बाद कढ़ाई गर्म करके उसमें 2-3 चम्मच तेल को डाल देंगे। अब प्याज डालेंगे, बाकी कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे। उसे एक बार चला लेंगे और कटे हुए गाजर को उसमें मिलाएंगे। अब गाजर को भी थोड़ी देर चला लेंगे। इसी तरह से बारी बारी से सभी कटे हुए सब्जियों को डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है, उसे भी चलाएंगे और उबले आलू को उसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, उबले हुए आलू को अच्छी तरह से छिलके उतार कर उसे मैश करके लेना है। अब इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे और उसमें मैगी मसाला डाल देंगे और उसे फिर से अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे, ताकि सभी सब्जियां और नमक और मसाले एक साथ होकर मिल जाएं। अब इसमें कटे हुए धनिया पत्ते डाल देंगे। अब ये सैंडविच का आलू बनकर तैयार हो गया है। ब्रेड लेंगे, उसमें 2-2 चम्मच इस आलू को डालते जाएंगे। ऊपर से ब्रेड डालेंगे। इस ब्रेड को सैंडविच के लिए पहले तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हर एक ब्रेड में आलू डालेंगे और ऊपर से एक ब्रेड रखकर उसे ढकेंगे। मैंने सारे ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब तवा को गर्म करेंगे। अब तैयार ब्रेड को तवा में रखेंगे, ऊपर से बटर लगाएंगे और दूसरी तरफ सेक लेंगे। उसमें भी थोड़ा बटर डालेंगे, आप जितना चाहिए उतना बटर डालिएगा। अब ब्रेड को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक उसे सेक लेंगे। इस तरह से मैंने सारे सैंडविच को क्रिस्पी होने तक तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सजा लिया है। आप इस सैंडविच को सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं या फिर शाम के समय स्नैक्स में भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप धनिया चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद।